ने टॉस जीत लिया, बड़ी खबर बता दूं, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया, पाक ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। जो प्रिया कह रही थी भारत पहले बल्लेबाजी करे, मतलब अब भारत जो है वो बल्लेबाजी करने जा रहा है। इट्स माय डे, इट्स आवर डे, ठीक है। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा था, अनुराग के साथ चर्चा कर रहा था, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव में ये एक एडवांटेज क्या पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है अनुराग? देखिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं ना कि T20 में और खासतौर पर ऐसी पिच जहां पर आपको बहुत कुछ तय करना, और टॉस पर अगर आप टॉस जीत जाते आधा मैच आपके हाथ में होता है। लेकिन अभी भी भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान से कहीं आगे, क्योंकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी उसकी ताकत है और यहाँ पर गेंदबाजी भारत की बहुत अच्छी है। मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहा हूँ, पहले मैं उसके बाद ब्रीफ करता हूँ। एक चीज बता दूं, देखिए क्या था, इसी ग्राउंड पर कल मैच हुआ था और भारत जिस ग्राउंड पे खेल रहा है, इंग्लैंड जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रही थी ना, तो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड जो थी वो बहुत ज्यादा डगमगा रही थी। तो अच्छा टोटल रखना बहुत जरूरी है ऑन दैट नोट। बट मैं ये भी बता दूं, इंग्लैंड के साथ जब भारत ने यहाँ पे प्रैक्टिस मुकाबला खेला था, इंडियन टीम ने उस वक्त सेकंड में बैटिंग की थी जब ईशान किशन ने 90 रन से ऊपर का स्कोर बनाया। यानी ये पिच जो है दूसरे तक, अगर सेकंड इनिंग की जो बैटिंग होती है उसके लिए ज्यादा मुफीद हो जाती है। ये पहले बल्लेबाजी अब टीम इंडिया करेगी और टॉस जीतकर शायद टीम इंडिया भी यही फैसला करती। दो एजेंट, दो प्रोस्पेक्टिव यहां पे जिसको मैं ऐड ऑन कर देता हूं, क्योंकि टीम इंडिया रन चेज करने में बहुत ज्यादा अच्छा करती है। दुबई की जिस पिच पे मुकाबला लगातार होता रह रहा है, वहां की पिचेस हाई स्कोरिंग नहीं साबित हुई है अब तक के मैचेस में। हालांकि इस पे जब इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच में आई थी, तो इंडियन टीम ने सेकंड बैटिंग की थी और रन चेज करके जीत हासिल की थी। अनुराग, सेकंड ओपिनियन आपका? देखिए मैं, नाउ व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन होगा अगर बैटिंग आप पहले कर रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के साथ जाना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि वो छठे नंबर पर सबसे अच्छे बल्लेबाज है। तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मुझे नहीं लगता कि आज जगह बन रही है, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है और मेरे हाँ कंटिन्यू नहीं, मुझे लगा कि शायद प्रिया और लवीना भी कुछ अपने एक्सपर्ट ओपिनियन रखना चाह रही थी। अनुराग प्लीज, आप नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी। आज पूरा देश करवा चौथ भी मना रहा है, करवा चौथ का पर्व। आप देखिए ना, सारे हमारे जो बैट्समैन है, जितने शादीशुदा है, पिच पे होंगे, और जब चांद अपने पूरी शोभा पे होगा, लोग यहाँ व्रत खोलेंगे, वो भी पिच पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। क्या शानदार, आप के पता है, को समझ सकता हूं, आप ये समझिए कि सबकी बीवियां जो है वो बैटिंग करते हुए पिच पे देखेंगी। प्रिया के दर्द को समझ सकता हूँ, प्रिया स्क्रीन पर है और आपके हस्बैंड शायद घर पे बैठे व्रत तोड़ेंगे, लेकिन ये कमेंट्री में बाद में करूंगा। लवीना, आपकी बारी है। बिल्कुल, लेकिन रोहित, मेरा यहाँ पे आपसे सवाल, मैं कोई कमेंट्री नहीं करूंगी। नहीं, ये बड़ी खबर, नहीं, पाकिस्तान टॉस जीत गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत गई है और अगर भारत टॉस जीता तो भी यही फैसला करता, तो पाकिस्तान ने फैसला क्यों किया? ये तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए था कि ये तो भारत के पक्ष में जाएगा। देखिए, भारत के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि टॉस जीतकर इंडिया क्या करती, पहले पाकिस्तान को इनवाइट करती कि पाकिस्तान आओ और बैटिंग करो। ये पिच इनिशियली, क्योंकि पाक के पास फास्ट बॉलर्स हैं, अच्छे हैं, और शुरुआत में ये जो कहते हैं ना, शुरुआत में एडवांटेज ये पाकिस्तान उठाने की पूरी कोशिश करेगी पाकिस्तान की टीम।